मध्य प्रदेश के श्रम मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने विवादित बयान देते हुए आरएसएस और हिंदू महासभा को रावण बता दिया। सिसोदिया ने कहा कि महात्मा गांधी भगवान राम है और आरएसएस हिंदू महासभा रावण है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को लेकर महेंद्र सिंह सिसोदिया ने एक बार फिर कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। होशंगाबाद में श्रम मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने महात्मा गांधी को भगवान राम और आरएसएस हिंदू महासभा को रावण बता दिया। सिसोदिया ने कहा कि हिंदू महासभा और आरएसएस देश की वही विंग है जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या करवाई, लेकिन राम राम ही रहेगा, रावण रावण ही रहेगा। उन्होंने कहा कि हिंदू महासभा गोडसे की पूजा आज से नहीं कर रही है, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सिसोदिया मंत्रियों और नेताओं के पैर छूने को गलत नहीं मान रहे हैं। उनका कहना है कि पैर छूने में गलत क्या है, भाजपा में भी यही होता है। पीएम मोदी, आडवाणी, शिवराज और कैलाश विजयवर्गीय का खेमा अलग अलग है और वहां भी यही होता है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता के पैर उनके कार्यकर्ता नहीं छूते क्या? क्या शिवराज सिंह का और कैलाश विजयवर्गीय का खेमा अलग नहीं है? क्या मोदी जी और अडवाणी जी का नहीं है? क्या मुरली मनोहर जोशी जी का नहीं है? हर पार्टी में होता है, मगर ये संस्कार की बात है, पैर छूना, प्रणाम करना। सिसोदिया ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा और कहा कि शिवराज सरकार के दौर में संबल योजना में घोटाला हुआ, अपात्रों को लाभ दिया गया, इसकी जांच कराई गई है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष ज्योतिरादित्य सिंधिया होना चाहिए, बाकी पार्टी आलाकमान जो फैसला करेगी वैसा ही होगा। मेरी व्यक्तिगत राय अगर पूछी जाए और हजारों हजारों कार्यकर्ता की राय पूछी जाए तो ऊर्जावान नेतृत्व मध्य प्रदेश में होना चाहिए, क्योंकि प्रदेश का संगठन मजबूत होगा तो हमारी जो योजनाएं सरकार की चल रही हैं उसका क्रियान्वयन भी हम धरातल तक ले जाएंगे। निश्चित रूप से मेरी व्यक्तिगत राय है कि माननीय सिंधिया जी सर्वश्रेष्ठ हैं, सांसद रहे, मंत्री रहे, युवा हैं, एक बहुत अच्छे वक्ता हैं और एक काम करने की ललक और ऊर्जा उनके अंदर है। ये मेरी व्यक्तिगत राय है और सोनिया जी को भी मैंने व्यक्तिगत निवेदन भी किया इस बारे में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।